हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे ब्रह्मा जी की मति भ्रम की कथा। बात उन्हीं दिनों की है जिन दिनों कृष्ण वृंदावन में गाय चराया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मन में श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा जरा पता लगाया जाए कि नंद के पुत्र कृष्ण के बारे में ये जो नाना प्रकार की बातें प्रचारित हो रही हैं कि वे भगवान का रूप है, इनमें कितनी सत्यता है। दोपहर का समय था। कृष्ण दोपहर को भोजन करने के पश्चात कदम के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। गाय और बछड़े भी इधर उधर सोए हुए आराम कर रहे थे। सहसा कृष्ण उठकर बैठ गए। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना तो कोई गाय दिखाई पड़ रही है, ना बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, ना ग्वाल बाल दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण विस्मय की तरंगों में डूब कर सोचने लगे, सब कहाँ चले गए, सब कहाँ छिप गए। श्री कृष्ण गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को खोजने लगे, किंतु बहुत खोजने पर भी ना तो गाय मिली, ना बछड़े मिले और ना ग्वाल बाल मिले। मिलते भी तो कैसे मिलते। ब्रह्मा जी ने सभी को ले जाकर छिपा जो दिया था। कृष्ण ने जब विचार किया तो उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे यह जान गए कि ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को छिपा दिया है। बस फिर क्या था, कृष्ण ने अपनी योग माया की शक्ति से चारों ओर गाय, बछड़े और ग्वाल बाल पैदा कर दिए। उन्होंने कई कृष्ण और भी पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी इस लीला को देखकर चक्कर में पड़ गए। उन्होंने गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को जहाँ छिपाया था वहाँ जाकर देखा तो वे सब वहाँ मौजूद थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह कैसी अद्भुत लीला है। मैंने जिन्हें छिपाया था वे तो अपनी जगह मौजूद हैं, फिर ये दूसरी गाय, बछड़े और ग्वाल बाल कहाँ से आ गए। इनमें कौन वास्तविक है और कौन बनावटी, कुछ समझ में नहीं आता। जब ब्रह्मा जी सोच सोच कर थक गए तो उन्होंने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। हे अच्युत, हे असीम, हे इंद्रियातीत, हे भावातीत और हे शब्दातीत, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आपकी लीला ने हमारे मन में अज्ञानता उत्पन्न कर दी थी, हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। हम पर दया करके मेरे भ्रम को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरी गाय, मेरे बछड़ों और मेरे ग्वाल बालों को क्यों छिपा रखा है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक पड़े। उनके झुकते ही लीला की गायें, लीला के बछड़े और लीला के ग्वाल बाल तो अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर असली गाय, बछड़े और ग्वाल बाल प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया के घोष से सारा वातावरण गूंज उठा। धन्यवाद।